जो है सारा का सारा मीट इसमें डाला जाएगा। ये गया, मतलब इसमें सब कुछ है, कलेजी भी है, गुर्दा भी है, नली है, सीना है, चाप है। तो भाई जिस साइड पे जो है अभी मटन तो तैयार नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और लगना है, लेकिन यहाँ पे देखो मटन का क्रेज ऐसा है कि दादा लोग बनने से पहले आ चुके हैं। मीट भात खाने आए दादा? यस यस। अभी तो टाइम है थोड़ा, नहीं तो पहले भी आए कि फर्स्ट टाइम आ रहे आज? पहले भी आए हैं। कैसा स्वाद वगैरह लगता है? अच्छा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखो साइज वगैरह पीस का, मीट हड्डी हर तरह का चीज़ है इसमें, बहुत अच्छा। अब हमको थोड़ा एक बार ना दादा रेट बताइए कि अगर आपके यहाँ कोई सादा खाना खाता है तो क्या रेट लगता है? सादा खाना के लिए 60 रुपया है। 60 रुपया है जी। और मीट भात किस रेट में खिलाते हैं? मीट भात तो, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं रांची शहर के बीचों बीच थाला के घर के पास, और थाला के घर के पास आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं प्योर देसी टिपिकल आदिवासी होटल को एक्सप्लोर कराने के लिए। और आज जो हम आपको होटल दिखाने वाले हैं वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है अपने पतरी मीट भात के लिए, और वहाँ पे जो मीट भात बनता है भाई साहब, वहाँ पे बनने से पहले लोग खाने के लिए पहुँच जाते हैं, और हम आपको उनका आज तरीका दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी कोयले के आँच पे धीमे धीमे वो मटन पकाया जाता है। साथ ही साथ उसका हम आपको जायका भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस जगह के बारे में जान लेते हैं। तो अभी जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह को बोला जाता है सुभाष मुंडा चौक दलादली, जो कि पड़ता है आपके रातू थाना के अंतर्गत, जिला इसका होने वाला है रांची। और ये जगह भाई साहब किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर की दूरी पे थाला का घर है, और ये जगह अपने मीट भात के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आप पहुंच सकते हैं। इनकेस फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो उपलब्ध है हमारा गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके और आंख बंद करके इस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो गई जिस जगह पे पहुंचने की जानकारी तो दे दी, अब आपको लेकर चलते हैं भीतर। और सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, ये है इनका बोर्ड जिसपे होटल का नाम और भाई साहब अपना जय सरना जोहार जय धर्मेश हर कुछ लिखा हुआ, मतलब इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्योर आदिवासी होटल है। और यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करते हो ना तो बिल्कुल देसी सा सारा सेटअप हो रखा है। ज़मीन देख लो आप, पूरा मिट्टी का है जो कि गोबर वगैरह से नीपा जाता है, और पूरा अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट है। इस साइड पर दिखाएंगे आपको तो बढ़िया सा कलाकारी वगैरह भी किया गया, और ये जगह को अपने पहले भी एक्सप्लोर किया लेकिन रेसिपी दिखाना बाकी था, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था, तो आज लेकर आ चुके हैं रेसिपी दिखाने के लिए। और ये है वो जगह जहाँ सारा खाना वगैरह बनाया जाता है, इस साइड पे सारा कुछ खाना सजा कर रखा हुआ है। और ये हैं दादा जो कि बनाते भी और होटल के मालिक भी। जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं? बढ़िया हैं, ठीक है। एक बार फिर से जो हम आपके पास आए नहीं बिल्कुल देखने की कैसे मीट बनाते हैं, ठीक है। अपना एक बार नाम बता दीजिए फिर। जी मेरा नाम सुनील उराव हुआ। और अपने होटल के बारे में बताइए कि क्या टाइमिंग वगैरह रहता है, कितने बजे खुलता है? अच्छा, होटल का नाम तो मेरा निगह आसरा करके है। जी जी। टाइमिंग है 10 बजे के बाद, 10 बजे से मतलब खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या मटन भात चालू हो जाता है 10 बजे से? हाँ मटन भात चालू हो जाता और है। और कितने बजे तक रहता है ये? 5 बजे तक रह जाता है। 5 बजे तक जी, बाकी डिपेंड करता है मीट जब तक रहे। हाँ ऐसा है जी। और कोई साप्ताहिक बंदी छुट्टी? साप्ताहिक बंदी तो अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, सातों दिन खुल रहा है। सातों दिन खुल रहा है। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है तो क्या क्या बन चुका है, क्या क्या बनना बाकी है? जी अभी तो मटन बन गया है। मटन बन गया है। हाँ जी। सादा खाना बन चुका है? सादा खाना सारा कुछ बन गया है। एक बार सादा खाना से दिखाना स्टार्ट कीजिए ना, क्या क्या आपके पास है अभी? जैसे सादा खाना खाना हो तो सबसे पहले हम लोग ये रहा चटनी, चटनी हाँ ये चटनी देते हैं। अच्छा। और उसके बाद में है आलू भुंजिया। ये आलू का भुजिया। ये रहा आलू का भुजिया। आलू का भुजिया बहुत बढ़िया। और आलू भुजिया, फिर ये रहा सब्जी। सब्जी हाँ ये जी, ये सब कलर बड़ा बढ़िया है। क्या सब्जी बना है वैसे आज? आज बंधा गोभी बना है। तो ये फिक्स है कि चेंज होते रहता है? ये चेंज होता रहता चेंज है, हर एक दिन चेंज करते हैं सब्जी। अच्छा। और क्या है भैया सादा खाना में? सादा खाना में ये रहा दाल। ये दाल जी। क्या दाल है दादा? ये मसूर दाल है। मसूर का दाल है जी। और चावल तो एज यूजुअल इसी में होगा आपका? हाँ चावल तो इसी में है। अच्छा ये देखिए। तो सादा खाना भी पतरी में खिलाते हैं कि सिर्फ मीट भात? नहीं हम सादा खाना भी पतरी में सर्व करते हैं। अच्छा। तो ये देखो एकदम हरा हरा ताज़ा ताज़ा सखुआ का पत्ता यहाँ पे रखा हुआ है, दोना यहाँ पे बन के थाली। तो एक बार जो मटन बन चुका है वो दिखाइए हमको जी। और इसके बाद तो ये खत्म होने लगता है तो फिर बनता है ना मीट आपके? हाँ भैया और बनता है। और बनता है तो भाई ये देख लो, पहले जो है ये मीट बन के रेडी है। ये मीट बन के रेडी है। बन के रेडी है। कलर देखो, पीसेस वगैरह दिखाइए ना एक दो ऊपर उठा के थोड़ा जी। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखो साइज वगैरह पीस का,
मीट हड्डी हर तरह का चीज है इसमें, बहुत अच्छा। अब हमको थोड़ा एक बार ना दादा रेट बताइए कि अगर आपके यहाँ कोई सादा खाना खाता है तो क्या रेट लगता है? सादा खाना के लिए 60 रुपया है। 60 रुपया है जी। और मीट भात किस रेट में खिलाते हैं? मीट भात तो 150 रुपया है चावल के साथ में। चावल के दो साथ पीस हम लोग देते हैं। दो पीस मटन देते हैं जी। बाकी चटनी सलाद तो कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, वो तो देना ही है। वाह, तो भाई साहब रेट भी जो है काफी ज्यादा जेन्युइन है। और यहाँ पे चावल देख लो, मतलब सेलर राइस खिलाया जाता है, अच्छा क्वालिटी वाला है ना। तो मीट बनाना स्टार्ट करें, दिखाते हैं कैसे बनता है आपके यहाँ का मीट, है ना। 3 hours later. तो गाइस फाइनली आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस जगह पे मटन कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे चूल्हा धर चुका है, एक दो मिनट और लगना है, लेकिन इधर पे जो है भैया तैयारी चालू कर दिए हैं। सरसों का तेल गर्म हो गया दादा? गर्म हो गया सरसों का तेल। क्या डाल रहे हैं सबसे पहले? छौंका डाल रहे हैं, खड़ा मसाला जो कि है लाल मिर्चा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, मतलब गरम मसाला पूरा है नहीं? हाँ, गरम मसाला पूरा है इसमें। और अब जो है ये जाने वाला है गर्मा गर्म तेल में। तो तेल भी मतलब पूरा गरम करते हैं? हाँ, पूरा गरम, तेल तो गरम होना चाहिए। तो छौंक को जलने नहीं देते हैं? नहीं, ज्यादा जलने नहीं देते। ज्यादा जलने नहीं देते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है छौंक डलने के साथ संग संग कटा हुआ प्याज इसमें डाला जा रहा है। कितना प्याज वैसे पड़ रहा है दादा? प्याज तो अभी 4 kg डाले हैं। 4 kg अब फिलहाल। तो भाई साहब 4 kg प्याज इसमें डल चुका है और अब इसका जो है भुनैया होगा काफ़ी बढ़िया तरीके से। कितना टाइम लग जाता है प्याज को भुनने में खाली? प्याज भुनने में तो भैया आधा घंटा, 30 मिनट तो लग जाएगा। आधा घंटा? आधा घंटा, मतलब पूरा पानी प्याज का मारते हैं अच्छा से? हाँ, पानी प्याज को पूरा अच्छे से मारना पड़ता है, तभी मीठापन नहीं आएगा नहीं। हाँ। तो गई जो साइड पे देखा आपने किस तरीके से प्याज को भुना गया था, और इस साइड पे जो है ना अपना चूल्हा भी बढ़िया सा जल चुका है और इधर पे प्याज का भी भुनाई कंप्लीट हो गया है ना दादा? हाँ, भुनाई कंप्लीट हो गया, पूरा ब्राउन हो गया अच्छे तरीके से। हाँ। आधा घंटा तो लग गया? आधा घंटा लग गया भैया। और पूरा हाथ चलते रहा? चलते रहा। और अब जो है टाइम आ चला है मीट डलने का, और यहाँ पे मीट को देखो सबसे पहले तो अच्छे तरीके से धोया गया है। जनरली लोगों का कहना होता है कि मीट धुलता नहीं है, लेकिन भाई साहब देख लो यहाँ पे क्या चकाचक मीट धोया गया है। और अब इसमें जाएगा? हाँ। टाइम है अभी। जाएगा? जाएगा। तो अब जो है सारा का सारा मीट इसमें डाला जाएगा। ये गया, मतलब इसमें सब कुछ है, कलेजी भी है, गुर्दा भी है, नली है, सीना है, चाप है। वाह, तो मीट जो रहता है मतलब सारा एक खस्सी का माल रहता है कि मिक्स रहता है? भैया एक ही खस्सी का रहता है। एक ही खस्सी का रखते हैं जी। अच्छा, क्या कारण है उसके पीछे एक खस्सी का, मिला के नहीं रखते? मिला के लेने से भैया पता नहीं चलता है ना, मीट मतलब छोटा बड़ा खस्सी करके दे देता है। अच्छा, आधा मीट गल गया, आधा मीट गल भी नहीं किया, ये होता है, ये दिक्कत होता है, ये दिक्कत हो जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है एक ही खस्सी का माल यूज किया जाता है, और सारा मीट इसमें डालने के बाद अब अच्छे से भुने हुए प्याज के साथ इसको भुना जा रहा है। मीट कितना देर भुनाएगा अभी खाली प्याज के साथ? 10 मिनट। 10 मिनट लगेगा? हाँ, नहीं, दस मिनट प्याज को अभी और मीट के साथ भुना जाएगा, मिक्स किया जाएगा। हाँ, भुनेंगे। मटन अब अच्छा से भुना गया है, अब इसमें हम लोग मसाला डालेंगे जो कि ये रहा, मतलब लगता है 1.5 किलो मसाला जैसा था। जी, गाढ़ा गाढ़ा एकदम। क्या रहता है भैया इस मसाले में थोड़ा बताएंगे? इसमें जीरा रहता है, गोलकी रहता है, धनिया रहता है, मिर्चा, अदरक, अदरक नहीं रहता है, अदरक नहीं रहता, अदरक नहीं डालते। अच्छा। लहसुन रहता है, लहसुन रहता है। तो मतलब कि ऐसा कोई सीक्रेट वाला बात नहीं है? ये सीक्रेट वाला मसाला, सब खुला मसाला है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है एक बढ़िया सा क्वांटिटी मसालों के पेस्ट का इसमें डल चुका है, और अब इसको मटन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया जा रहा है ताकि हर एक मसालों का स्वाद मटन के भीतर जा पाए। ये चेक करो, मतलब मसाला अभी ही डला है, कलर जो है बड़ा बढ़िया सा आ चुका है। कितना टाइम अभी इसको भूनते हैं दादा? इसको भी अभी, इसको भूनने में अभी 10 से 20 मिनट लग जाएगा। 10 से 20 मिनट। हाँ, मसाला अच्छा से भूनना चाहिए। अच्छा, कच्चापन पूरा दूर होना चाहिए। कच्चापन पूरा दूर होना चाहिए, मटन और मसाला एक मिक्स हो जाना चाहिए, बढ़िया जाना चाहिए, है ना। मतलब टाइम पूरा लगता है इसमें? टाइम पूरा लगता है जी। अच्छा, ये जो मटन बना रहे तरीका कहाँ से आप सीखे हैं बनाना, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। भैया ये तो हम घर से ही सीखे हैं। घर से ही सीखे जी, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से सीख कर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपनी माँ से ही हम सीखे हैं। अच्छा, तो ये जो है भाई साहब घर का ही तरीका है इनका मटन बनाने का।
तो गाइस यहाँ पे जो है लगभग आधा घंटा से ऊपर हो चला है, इसमें मटन डाले हुए और देख सकते हो पूरा जो है इसके ऊपर बादल मंडरा रहा है। और अब आपको दिखाने वाले हैं कि भीतर का क्या हालचाल है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का मसालों का रंगत है, पूरा अच्छे से मसाला वगैरह पक चुका है, मीट में मिक्स हो चुका है। अब क्या डालना है दादा? अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डालना है, मसाला भून गया है। भून गया, अब जो है इसमें पानी जाएगा और पानी भी गर्मा गर्म। गर्मा गर्म खौला हुआ पानी। खौला हुआ पानी, ये रहा। खौला हुआ पानी डालने के पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि खौला हुआ से मतलब अच्छा कुक होता है। अच्छा कुक होता है जी। टेम्परेचर बना रहता है। टेम्परेचर बना हुआ रहता है। बना हुआ रहता है। तो भाई साहब अब जो है यहाँ पे पानी दे दिया जा रहा है भर के इसमें मीट को गलाने के लिए। मीट वैसे 40% पक चुका होगा। हाँ 30-40% पक चुका है ना जी। और अब जो है इसमें पानी चल चुका है, कितना टाइम और लगना है इसको? और इसको लगेगा 20-25 मिनट। 20-25 मतलब आधा घंटा पकड़िए। हाँ आधा घंटा लग ही जाएगा। कुछ डलना है लास्ट में? कुछ डलता है लास्ट में? वही क्या टाइम है अभी? लास्ट में है एक गरम मसाला, वो बस वही डालेंगे। तो अभी जो है इसमें एक मसाला और जाना है। और भाई साहब सच्ची बताऊँ ये जो भाप उड़ रहा है ना इसमें खुशबू मीट का और इनका पिसा हुआ मसाला का बड़ा खतरनाक सा है। तो गाइस यहाँ पे जो है पानी डले हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चला है और जितना पानी डला था ना वो सूख चुका है। और अब इसमें टाइम आ चला है डलने का चर्बी, है ना दादा जी? और अब चर्बी जाएगा। अब चर्बी जाएगा यहाँ। तो चर्बी लास्ट में डालते हैं? नहीं, हाँ चर्बी लास्ट में ही डालते हैं। पहले डालेंगे तो सब गल जाएगा, फिर घुरा जाएगा। हाँ सब घुरा जाएगा। तो भाई साहब अब जो है इसमें चर्बी डल चुका है और चर्बी जो है ना लोगों का तो डिमांड भी रहता होगा ना, थोड़ा सा चर्बी दीजिए ऊपर से। हर एक मतलब प्लेट में चाहिए चर्बी, छोटा सा टुकड़ा चर्बी का छोटा चाहिए। चाहिए तो भाई साहब यही रीजन है कि चर्बी को इस टाइम पे डाला जाता है। और यहाँ पे जो है ना जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसके साथ ही खुशबू और भी स्ट्रांग सा होते जा रहा है। पीस वगैरह दिखाइए तो थोड़ा एक आध डब्बों में उठा के ऊपर और ऊपर कीजिए दादा, इधर लाइए क्योंकि भाप से कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो क्या मस्त सा जो है भाई साहब कलर आ चुका है। मीट भी लगता है हो गया, हड्डी छोड़ दिया है। हाँ है, मीट हो गया है। मीट हो गया है, अच्छी तरह से कुक हो गया है। अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ये चेक करो। अब मटन हो चुका है, बढ़िया से पक चुका है। अब जो फाइनल जो मसाला होता है वो हम डाल रहे हैं, ये रहा लास्ट एकदम है। लास्ट जी। क्या है ये मसाला वैसे? रेसा ये रेसा ये गरम मसाला है। गरम मसाला? हाँ, मतलब खुद से कूटते हैं कि रेडीमेड है? नहीं नहीं, हम खुद से कूटते हैं। खुद से कूटते हैं जी। थोड़ा सा हाथ पे दिखाइए ना मसाला। खुद से हम तैयार करते हैं। ये देख लो यहाँ पे पूरा इलायची का रेसा वगैरह, दालचीनी बढ़िया से मात्रा में है, खुशबू इसका बड़ा स्ट्रांग सा आ रहा है। और अभी जाएगा ये। और अब टाइम आ चला है इसमें जाने का गरम मसाला। उसी के साथ जो है अपना मटन हो चुका है रेडी, चावल भी भाई साहब कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो करना क्या है, इसको लगवाएंगे पत्ते पे। पत्ता अवेलेबल है दादा? बिल्कुल है। हाँ, तो सखुआ का पत्ता पे लगवाएंगे, करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि यहाँ पे इतने मेहनत से कोयले के आंच पे ये जो मीट बना है इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो गाइस मीट बनकर आ चुका है अपने टेबल के ऊपर। और ये जो है ना मीट भात का थाली अपने नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बार पहले भी आ चुके हैं, बस बनता कैसे है वो दिखाना बाकी था। और अब बनते देखे हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने लिए भी थाली हमने लगा ली है। और थाली देखो बहुत ही खूबसूरत सा है, सखुआ का हरा हरा पत्ता है। यहाँ पर मीट को देख लो, नली वाला पीस झाँक रहा है, ऊपर से चर्बी है। इस साइड पर आज भुजिया भी हमने लिया है, इनका स्पेशल चटनी है। ये है लॉन्ग साइज डबल एक्सल साइज का भाई साहब चिप्स। तो करना क्या है, फटाफट आपको एक बार मटन का क्लोज लुक देते हैं। तो पीस वगैरह देखो यहाँ पे क्या बढ़िया सा साइज नली का मिला है। ये भी आपका नली, लेकिन इसमें भाई साहब पूरा एकदम मटेरियल भरा हुआ और गरम गरम है पूरा। ये देखो चर्बी क्या मस्त दिख रहा है। मीट दिखाते हैं किस हिसाब से पका है, क्योंकि बिना कुकर के बना हुआ। अरे भाई ये देख लो, एक नंबर तगड़ा। मतलब धीरे धीरे उंगली लगा रहे और मीट का पीस फटाफट टूट रहा है, देख रहे हो एक नंबर। तो गाइस नज़ारा तो हमने दे दिया, अब टाइम आ चला है इसका टेस्ट लेने का। और अभी टाइम ना 10 बज रहा है, मतलब सुबह सुबह इतना बढ़िया सा थाली मिल जाए तो भाई सब दिन ऐसे भी अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले सबको हल्का हल्का मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद स्टार्ट करते हैं इसके ग्रेवी से। बहुत सही सा स्वाद है ग्रेवी का, मतलब ऐसा लग रहा है ना
कि बिना मीट खाए हुए सिर्फ ग्रेवी को अपने घटक जाए, लेकिन फिर चावल यहाँ पर रह जाएगा। तो अब चावल के ऊपर ग्रेवी डालते हैं। रोगन बहुत अच्छा सा है, एकदम बढ़िया सा ऊपर तैर रहा है, गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी। जैसे जैसे ठंडा हो रहा है ना, थिकनेस इसका और बढ़ते जा रहा है। चावल में अच्छे से मिलाते हैं। इनका चावल का क्वालिटी ना मतलब इतना बढ़ गया है कि आपको इस एरिया में ये चावल कहीं और नहीं मिलने वाला। हल्का हल्का खुशबू है और एकदम खिला खिला दाना अच्छे से मिक्स हुआ और अब डालने वाला। ये जो चावल है और इनका जो ग्रेवी वगैरह का टेस्ट होता है, तो ऐसा लगता है ना कि ये चावल इसके लिए बना है और एक ग्रेवी भाई साहब इसी के लिए बना हुआ है। बहुत सही सा टेस्ट है, परफेक्ट मीट भात। बनाने का तरीका देखना बाकी था, लास्ट टाइम तो हमने खाया था। टेस्ट बताए पिछले बारी के जैसा सेम टू सेम एकदम टेस्ट है। बनाने का तरीका मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्या है ना, कोई झोलझाल नहीं है, कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। जैसे घर में बनता है बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन इनका मसालों का जो रेशियो है ना वो बहुत सही सा है। हर कुछ बैलेंस्ड है। तीखा का बात करोगे, हरा मिर्चा का भी यूज है, लाल मिर्च का भी यूज है, नमक एकदम परफेक्ट सा है, और लहसुन भाई साहब भर भर कर अच्छे तरीके से डाला हुआ है। अब प्लस पॉइंट क्या है ना, यहाँ अदरक का यूज नहीं है, और अदरक का यूज नहीं है तो भाई साहब पता है ना आपको, अदरक नहीं खाने से किस चीज़ से लोग बचते हैं। एक नंबर मज़ा आ रहा है। कोई हड़बड़ नहीं मीट बनाने में, स्लो कुकिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं ना, धीमे धीमे आँच पे भाई साहब मटन को पकाया गया है, और तब जाके जो है ना मीट का अपना जो स्वाद है बहुत अच्छे से उभर कर आया है। और मसालों का टेस्ट ना मीट के भीतर तक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीच से ऐसे मीट खा रहे हो तो सिट लगेगा, आपको मसालों का टेस्ट भी बहुत सही से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, गरम मसाला का यूज भी अच्छा सा है। मतलब ऐसा है ना कि गरम मसाला का टेस्ट एकदम निखर कर ऊपर आया हुआ। टेस्ट देख रहे हो, सामने से दिखाते हैं आपको, तगड़ा बोल्डर साइज प्योर माल है। लास्ट टाइम भी हमने एक चीज़ कहा था, यहाँ का जो मीट है ना देखने में पूरा रिच है, ऊपर से पूरा एकदम रोगन वगैरह हर कुछ तैरता है। खाओगे ना तो इसका सारा कुछ का बैलेंस है ना, एकदम माइल्ड है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ आराम से आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हो। रेट के हिसाब से अगर ये चावल मिलता है, इस क्वालिटी का मटन मिलता है, प्याज वगैरह ये सब चटनी, तो भाई साहब बहुत बढ़िया सा डील है। आज ग्रेवी पूरा भर के मिला था, मेरे को लगा हम पुरा लेंगे, लेकिन ना फिर जो है ग्रेवी हल्का खाली हुआ है। चटनी बादाम धनिया पत्ता इन सब का बढ़िया सा टेस्ट है चटनी में। चटनी ज़रूर ट्राई करना यहाँ का आप लोग।
थोड़ा भुजिया लेते हैं, थोड़ा चटनी मिलाते हैं और हर कुछ परफेक्ट है। तो फिलहाल देख लो चावल यहाँ पे थोड़ा सा है, मटन का पीस है अपने पास, इसको भी ख़त्म करने वाले हैं, वीडियो को हम यहीं पेंड करेंगे। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ढूंढ लूँगे इसी तरह से बढ़िया जगह और भाई साहब लजीज से लजीज खाना दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल कुछ कहीं और कुछ नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।